Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mix with Vasudev। तो ये है लेक्चर 4 मास्टर एबल्टन लाइव इन 30 डेज का। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो 120 लिखा है, 1 बार लिखा है, एट द सेम टाइम जो यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, एक एक बटन, और एक एक करके हम इनका एप्लीकेशन भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम लिंक फंक्शन की बात करें जो यहाँ पे लिखा है, तो लिंक सिंपली क्या करता है, जैसा कि उसका नाम है, ये अलग अलग जो एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं उनको आपस में लिंक करने के काम आता है, कनेक्ट करने के काम आता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो सारी सेम ही नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। तो उसमें कोई भी एक स्टार्ट करेगा, कोई भी एक प्ले करेगा, पॉज करेगा, टेम्पो में चेंज करेगा, तो वो सबके सिस्टम्स में रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन जो है, दिस इज सिंपली टैप टेम्पो। से फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा वोकल ट्रैक आता है या कोई भी गिटार ट्रैक आता है जिसका हमें टेम्पो नहीं पता, तो उस केस में हम लोग टैप टेम्पो का यूज करते हैं। और ये जो फीचर है काफी सारे मोबाइल फोन्स में भी आता है मेट्रोनोम की ऐप में। तो इसका अगर हम एप्लीकेशन देखें तो से फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एक ऑडियो ट्रैक को इम्पोर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं ये जो हमारा ऑडियो ट्रैक है मास्टरिंग B1M, बेसिकली ये B1 बैच है, मॉर्निंग वाला हमारा ऑफलाइन बैच AAMP कोर्स का। तो इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं, एंड प्ले करते करते लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स BPM, इसका टेम्पो फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें एबल्टन का जो वॉप फंक्शन है इसको ऑफ करना है। तो ये वॉप फंक्शन क्या होता है, क्या नहीं करता, आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। थोड़ा बहुत टाइमिंग से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें चेंज करता है, तो इसके हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज वॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एबल्टन का, जिसके ऊपर एक लेक्चर भी कम है। तो विद सी इट्स एप्लीकेशन अच्छे से इसकी बात करेंगे किसी और लेक्चर में। तो अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड द BPM टैप टेम्पो की मदद से। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रैक को प्ले करते हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसके काउंट के हिसाब से हम लोग स्नैप्स करते रहेंगे जो भी उसकी टाइमिंग है उसके हिसाब से, एंड फिर वो जो टाइमिंग है उसको हम लोग यहाँ पे टैप कर देंगे। बिकॉज ट्रैक को प्ले करते करते अगर हम टैप करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये वेव फॉर्म्स को रियल टाइम चेंज करता है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द टाइमिंग, कि हमारी टाइमिंग क्या चल रही है स्नैप करके, या फिर आप लोग अपने पैर से कर सकते हैं, फुट स्टेप से कर सकते हैं, वही सेम चीज टैप टेम्पो में करेंगे फिर। गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू। Alright, so it's around 74 or 73, तो उसको हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे स्टार्टिंग से, यहाँ से मेट्रोनोम का जो बटन है उसको ऑन करके। So definitely ये स्लो है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं, 76 करके देखते हैं। So अगेन थोड़ी सी फास्ट है, ये जो ट्रांजिएंट है ये एग्जैक्टली 2 पे आना चाहिए। तो राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं टेम्पो हमने फाइनल कर लिया है विच इज 78। तो ये आप लोगों को पता ही चल गया, ये है BPM। उसके बाद ये जो आप दो ऑप्शंस देख रहे हैं, एक राइट की तरफ भाग रहा है, एक लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, ये सिंपली क्या होता है, इसको हम लोग नज अप बोलते हैं, और ये जो है ये नज डाउन है। तो इसको दिखाने के लिए मैं कोई भी एक ड्रम किट है उसको इम्पोर्ट कर लूंगा अपने सॉफ्टवेयर में। से फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्लिप में जाते हैं, चलो इस ड्रम किट को ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे स्टार्टिंग में, इसको हम लोग सीधा स्टार्टिंग में ले जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कुछ रीजन्स यहाँ पे बना लेते हैं, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नच फंक्शन है इसको समझते हैं। इसके लिए इसको मैं सोलो कर लेता हूँ ट्रैक को।
राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा बेसिकली वो क्या करता है, एक छोटे से मोमेंट के लिए आपके टेम्पो फास्ट या स्लो करता है। तो मोस्टली ये डीजेइंग में यूज होता है, ज्यादातर मैंने लाइव परफॉर्मेंसेज में इसको यूज होते हुए देखा है। उसके बाद आपका है सिंपली टाइम सिग्नेचर, आपके प्रोजेक्ट का क्या टाइम सिग्नेचर है आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन यू हैव मेट्रोनोम, मेट्रोनोम के अंदर कुछ कुछ कमांड्स हैं, कुछ कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि काउंट इन हो गया, यानी कि रिकॉर्ड बटन दबाते ही आप कितने काउंट्स का गैप चाहते हैं, कितना एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्री काउंट चाहते हैं बिफोर द फाइनल रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स, एंड साउंड कैसी चाहिए वो भी ठीक है, रिदम बेसिकली किस टाइमिंग पे आपका मेट्रोनोम का जो स्पीड है वो आए 1/4 पे, 1/8 पे, 1/2 पे। एंड एक बड़ा सही ऑप्शन है विच इज एनेबल ओनली वाइल रिकॉर्डिंग, बिकॉज ज्यादातर क्या होता है जो मेट्रोनोम है इसका यूज रिकॉर्डिंग के वक्त ही होता है, दैट इज द रीजन आप इसको चेक कर सकते हैं इनकेस अगर आप लोग इसको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना चाहते। उसके बाद यहाँ पे क्वांटाइजेशन बटन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4/8/2/1/4 अगेन ये टाइमिंग है, लेकिन ये टाइमिंग पिछली टाइमिंग से कैसे डिफरेंट है, ये तो चलो मेट्रोनोम की टाइमिंग को कंट्रोल कर रही थी, वेराज ये एक तरह से ग्लोबल क्वांटाइजेशन है जो एक तरह से कंट्रोल करती है कि आप जो भी प्ले कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जो भी क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ऑफ ना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स की तरफ जाए तो बेसिकली ये जो बटन दिख रहा है ये फॉलो बटन है, तो इसको ऑन करने के बाद जैसे ही मैं ट्रैक को प्ले करूंगा आपको दिखेगा कि जो आपकी स्क्रीन है वो भी उसके साथ साथ मूव कर रही है। से फॉर एग्जांपल ये मास्टरिंग वाला ट्रैक सुनते हैं, तब करता मेरी राह तुझे से, मेरी चाह तुझे से, मुझे बस यही रह जाना। तो इनकेस अगर आप लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आप इसको सिंपली ऑफ कर सकते हैं, जो कि मैं भी मोस्टली ऑफ ही रखता हूँ। उसके बाद ये जो आप टाइमिंग देख रहे हैं ये बेसिकली टाइमिंग दिखा रहा है कि इस वक्त जो हमारा प्ले हेड है इस वक्त हम बेसिकली कहाँ पे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, हम लोग 10th और 11th बार के बीच में कहीं ना कहीं है, तो ये एग्जैक्ट काउंट बता देता है उसका। हम लोग 10.4.1 पे है जिसमें सिंपली ये जो नंबर है ये है आपका बार, सेकेंड नंबर है आपकी बीट, और ये जो थर्ड नंबर है ये है आपका 16th डिवीजन जो कि बेसिकली है आपका 16वां डिवीजन। उसके बाद तीनों बटन्स पता नहीं कहां कहां से किस टाइम से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ये है प्ले, ये है स्टॉप, ये है रिकॉर्ड का बटन। सो बेसिकली इनके शॉर्टकट्स भी हैं, प्ले करने के लिए आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप स्पेस बार से भी प्ले कर सकते हैं। असर अब करता एंड स्टॉप के लिए मैंने इस बटन को प्रेस किया, अगेन उसके लिए आप स्पेस बार भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि देखिए अगर मैं दोबारा प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ से प्ले होना शुरू होता है। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि जहाँ पे ये रुका हुआ है यहीं से प्ले होना शुरू हो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्पेस बार के साथ शिफ्ट की दबा दूंगा। तो अगर मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊं यहाँ पे, मेरी राह तुझे से, पॉज करने के लिए वापस स्पेस बार, प्ले करने के लिए वापस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, मेरी चाह तुझे से, मुझे बस यही रह जाना। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया से आपको शुरू करना है प्लेबैक, तो सिंपली आप या तो ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं किसी भी खाली एरिया में क्लिक कर दीजिए, आपको दिख गया एक मार्कर टाइप की चीज आ गई, बेसिकली वो एरिया सिलेक्ट हो गया, तो जितनी भी बार मैं स्पेस बार पे क्लिक करूंगा उतनी बार वो वहीं से ही प्ले होगा। असर अब करता। इसके बाद ये जो तीसरा बटन है ये सिंपली है रिकॉर्ड बटन, जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जब हम प्रोडक्शन की बातें करेंगे। उसके बाद ये जो कंट्रोल्स हैं इन पे आने से पहले सबसे पहले ये वाले कंट्रोल समझ लेते हैं, बिकॉज ये आपके लूप कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट में लूप बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली उतने पार्ट को सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पार्ट का लूप बन गया, एंड जैसे ही मैं स्पेस बार हिट करूंगा ये यहीं से शुरू होगा। जब जब तेरा दिल धड़के, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा ये लूप के बाहर भी चला गया, यानी कि ये बार बार लूप नहीं हो रहा, ये एक तरह से साइकिल की तरह एक्ट नहीं कर रहा। इसको अगर आप एक साइकिल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से साइकिल को एनेबल करना पड़ेगा, जिसका जो शॉर्टकट है वो है कमांड एल और विंडोज में कंट्रोल एल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी साइकिल बनी भी आ गई है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, इसको प्ले करके देखते हैं। तो सांसों पे भी नाम मेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के, क्या बात है। तो अब ये एक लूप की तरह एक्ट कर रहा है और बार बार वही ऑडियो रिपीट पे प्ले हो रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो हमने ये जो साइकिल है इसको एनेबल नहीं किया और फिर भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी ऑडियो यहाँ से प्ले होनी चालू हो और यहाँ पे आके रुक जाए, तो उसके लिए आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली ऑप्शन प्लस स्पेस बार दबाएंगे, जिससे देखिए क्या होता है। तो सांसों पे भी नाम मेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। राइट, क्या बात है।
तो जो भी विंडोज यूज करते हैं उन्हें सिंपली ऑप्शन की जगह ऑल्ट की दबाना है, यानी कि ऑल्ट स्पेस बार दबाते ही वो सिर्फ इतने रीजन में ही प्ले होगा। उसके बाद सिंपली इसके लेफ्ट और राइट में जो है ये है पंच इन स्विच और ये है पंच आउट स्विच। ये क्या करता है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मान लो ये तो चलो एक मास्टर ट्रैक है, बट मान लेते हैं ये एक वोकल ट्रैक होता, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्लाइंट है वो बोलता कि मेरे को ये जो इतना पार्ट है इसको रीडअप करना है, तो आप सिंपली क्या करते, आप क्लाइंट को यहां से कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग चालू करके देते और जैसे ही वो इतना पार्ट गाता आप स्पेस बार दबा के फटाफट से पॉज कर देते। लेकिन उस केस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आपसे गलती हो सकती है, थोड़ा लेट या थोड़ा जल्दी पंच इन हो सकता है। इसीलिए ये वाला फीचर यूज करने का फायदा क्या है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने इतने पार्ट को लूप किया और पंच इन और पंच आउट को सिलेक्ट कर दिया, तो इससे अब क्या होगा, अगर मैं यहां कहीं से प्लेबैक देता हूं अपने वोकलिस्ट को तो वोकलिस्ट तो यहां कहीं से गाना शुरू करता है, लेकिन क्योंकि मैंने ये बटन ऑन किए हुए हैं इसीलिए सिर्फ इतना जो पार्ट है वो ही रिकॉर्ड होगा। चाहे वोकलिस्ट यहां तक क्यों ना गाए, मेरे को सिर्फ इतने ही पार्ट का ओवरडब मिलेगा, इतने ही पार्ट की रिकॉर्डिंग मिलेगी और मुझे रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट प्ले एंड पॉज। और उसी के साथ ये जो आप कुछ नंबर्स देख रहे हैं ये जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसा कि ये दिख रहा है बेसिकली ये दिखाता है कि आपका लूप कहां से शुरू हो रहा है और ये दिखाता है आपके लूप की लेंथ कितनी है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे बार में नहीं जा रहा है, यहां पे सिर्फ बीट दिखा रहा है, यानी कि आपका जो लूप है वो सिंपली 3 बीट तक चल रहा है। उसके बाद ये जो बचे हुए कंट्रोल्स हैं इनकी मैंने बात इसीलिए अभी नहीं की, इनको मैंने अभी इसीलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज ये जो टूल्स हैं ये ज्यादातर आपके ऑटोमेशन प्रोसेस में काम आते हैं या फिर ओवरडब करने के काम आते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो डोंट वरी, इनकी हम लोग बात करेंगे डिटेल में अगले लेक्चर में, लेकिन तब तक के लिए जो भी चीजें हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस की है, चाहे वो टेम्पो कंट्रोल्स हो गए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्स हो गए, चाहे वो लूपिंग के फीचर्स हो गए इंक्लूडिंग द शॉर्टकट्स जो मैंने आप लोगों को बताए, तब तक उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, उनको अपनी टिप्स पे ले आना। और इनकेस अगर आप लोग किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज्ड है, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, तो सिंपली एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। No.